जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे मालूम है बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली छोटा सा नहीं है, 3 दिनों के मैं ट्रिप में जा रहा हूँ, जो कि मैं जा रहा हूँ उज्जैन, और उज्जैन से ओमकारेश्वर एंड देन वहाँ से इंदौर जाने वाले हैं। तो 3 दिन की ट्रिप है, 3 कंसेक्यूटिव ब्लॉग्स आने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम रहूँगा इन ब्लॉग्स के बीच में, लेकिन इस वीडियो को चालू करते हैं मेरे घर से। यहाँ से हम निकलने वाले हैं, ट्रेन की जर्नी लेने वाले हैं टू उज्जैन, और आज है 25th of September। तो हम निकलते हैं, आज संडे का दिन है। थोड़ा सा सब कुछ चीज़ें इकट्ठा करने में थोड़ा सुबह निकल गई, और अभी शाम का वक्त है, करीबन 5 बज रहे हैं, हमें निकलना है अभी थोड़ी देर में। सो अभी बस निकलते हैं, सारा सामान पैक हो चुका है, सो लेट्स गो। अभी भोपाल स्टेशन में खड़े हैं, करीबन 1:30 बज रहे हैं रात के, और नींद थोड़ी सी हो चुकी है, थोड़ी बाकी है, थोड़ी यानी हुई नींद है, अभी 1 घंटे की नींद है। देखते हैं अभी, शायद ट्रेन रास्ते पे है अभी टाइम पे, सुबह देखते हैं क्या होता है। उज्जैन पहुँच चुके हैं, टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए क्योंकि नागपुर में 2 घंटे लेट थे, और उज्जैन में 3:30 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। सो इनफ टाइम हम एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये है कुछ स्टेशन, बहुत सारा भीड़ आ रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, अभी समय से पहले आ चुके हैं। गॉड की अगर सीट भी हमें एक ही जगह पर मिल गई थी, एक्चुअली 3 जगह पे डिवाइडेड थी हमारी सीट, लेकिन उसमें क्यों नहीं से मिल गई। 6 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर चालू है, कभी भी चलेगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो अपने को वैसे अंदर गर्भगृह में दर्शन करना है, तो आराम तरीके से दर्शन होना अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, साड़ी पहनना चाहते हो तो किराए पे मिलता है, साड़ी पहन अरे धोती होती भी किराए मिलता है भैया। तो इंटरनेट पे तो बता रहे थे साड़ी कंपलसरी है, बस मारती में दी। अच्छा, बस मारती, बस मारती में आने करने के लिए 2 दिन पहले आना पड़ता है। अच्छा, जैसे अभी आए ना आप, हाँ, तो अभी रात को भैया लाइन में लग जाएंगे, सुबह 6 बजे खिड़की खुलेगी बुकिंग के लिए, 8 बजे तक के भैया के हाथ में फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर अगले दिन शाम को 4 बजे आपको बस मारती है। क्योंकि ऑनलाइन तो पूरा ब्लॉग बता रहा है। हाँ, पूरा पे। और आरती कितने बजे बजे रहती है? रात को 4 बजे है, हाँ, उसके बाद 10:30 बजे है, हाँ, उसके बाद शाम को 4 बजे है, 6:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे। अच्छा, तो ये 10:30 बजे वाली दोपहर की है क्या? हाँ, सुबह की ना, 10:30 वाली, उसमें चले आना ना। 10:30 अलग स्पेशल क्या रहता भैया उसमें आरती में? कुछ भी नहीं, नॉर्मल आरती जो होती है, वही जो अभी हो रही है ना। अच्छा, आरती ये है क्या मंदिर? हाँ कल। ये है कुछ हमारी होटल। सो गाइस, ये है कुछ हमारा रूम, ये है टॉयलेट साइड, तो वॉशरूम बहुत अच्छा है यहाँ का आउट से, एंड ये है कुछ रूम, और वेल सफिशिएंट है, और सबसे बेस्ट
चीज़ है इस रूम की वो है ये मंदिर, द प्लेस वेयर वी आर हेडिंग। मतलब स्पीचलेस हूँ मैं यार, इस चीज़ के कारण इतने दूर आए हैं और इस चीज़ के लिए ही हम चिल्ला रहे हैं। तो अब सुबह का इंतज़ार है, बस मंदिर में जाएंगे, दर्शन लेंगे। अभी भस्म आरती चालू हो चुकी है, तो भस्म आरती में हमें नहीं जाने मिला क्योंकि भस्म आरती की बुकिंग 16 अक्टूबर तक हो चुकी है और कहीं से भी हमने जुगाड़ लगाने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अभी भस्म आरती तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो 10 बजे की आरती होती है, जो खाना खाने की मतलब लंच के पहले की एक आरती होती है, उसमें हम जा पाएंगे। तो अभी बज रहे हैं कुछ चार देखो 4:30 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो नैवेद्य आरती होने वाली है मंदिर में। तो अभी कुछ 10 बज रहे हैं, अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी चलते हैं नैवेद्य आरती करने के लिए क्योंकि रात को इतना एक्साइटमेंट था कि 6 बजे तक तो हम सोए ही नहीं। चलते हैं अभी नैवेद्य आरती करने के लिए, अभी कुछ 10-15 मिनट बाकी है, तो दौड़ते हैं, लेट्स गो। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। भैया आए थे सुबह, तो उन्होंने दिया आपका नंबर, अभी हमको करना था, लेकिन 1000 रुपए से ऊपर मत देना। अच्छा, ये दोनों का हो सके 1500 देना। चंद्रमा ललाट पे भस्म है बुझाओ में वस्त्र बाघ छाल का, वगैरह चढ़ाना वगैरह वो केवल 1500 रुपये में दो लोगों का रसीद लगता है आपका, वो अंदर उसमें आपको साड़ी और देवी को धोती हो जाए। सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषाम ऋत पे था छिड़ा। वो सब जाके दिखाऊंगा तब पता चलेगा कितना मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस है। मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर बोले नाम शंकर चले लो नाथ शंकर शिवाय शंकर। नमो नमो मेरे शहर में भी अंडर कंस्ट्रक्शन में भी पीछे का एरिया भी जो है वो भी पूरा तोड़ दिया है, खुला खुला लग रहा है अभी कंपेयर टू मैंने जो वीडियोस में देखा था। ये पूरा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है अंदर, यहाँ पे मंदिर है और ये कुंड है किस चीज़ का मुझे मालूम नहीं, मैंने रेफरेंस नहीं देखा किसी भी वीडियो में। मछलियाँ भी है उस कुंड में, सो लेट्स सी मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। बहुत लंबी लाइन रहती है यार एज कम्पेयर टू मतलब अगर आप सावन के महीने में आएंगे तो आपको लंबा लाइन मिलेगा और इतना चलना भी पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा तो लग ही जाएगा अगर धीरे धीरे लाइन प्रोग्रेस करती है तो। लेकिन बहुत लंबी है, मतलब इतना चल के आए हैं हम और भी ऊपर बहुत लंबी लाइन थी। शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वर।
2-2.25 घंटे हो चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर में, और एक्सप्लोर करते करते ही हमें टाइम का पता भी नहीं चला, 2-2.25 घंटे हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं अभी, और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। जो हमने रात को ट्रेन में खाया था बस वही है जो एनर्जी है अंदर, और एटमॉस्फेयर ही उनका मतलब ऐसा है कि अंदर से एनर्जी आती रहती है, और अलग सा ही है यहाँ का। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और एनवायरनमेंट देखो, और ये मतलब जो चीज़ है ना वो मतलब आपको बयान नहीं कर सकता, हमें वीडियो में पता ही नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं। एंड सीरियसली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो हर एक चीज़ों में, हर एक मंदिर में जाना, और हर एक मंदिर में कुछ ना कुछ एक स्टोरी रहेगी, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ रहेगी जो कि अलग रहेंगी दूसरे मंदिर से, और बहुत ही मेजमराइजिंग सा एक्सपीरियंस है, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। दूसरे मंदिर भी जाएंगे तो मैं एक्सप्लोर करने में और भी मज़ा आएगा। सो देखते भी कहाँ जाना है, और अभी शायद भूख भी लगी है तो पहले पेट भी लाओ, उसके बाद और एक्सप्लोर करना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। पार्ट टू चेकआउट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट टू में हम देखने वाले हैं काल भैरव मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, राजा विक्रमादित्य के कुलदेवी का मंदिर, एंड बड़े गणेश जी, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उज्जैन में हमने एक्सप्लोर की है। तो डेफिनेटली पार्ट टू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर पार्ट टू।